गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ऋचा। मैं आज आपको एक फेस मास्क शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा फेस मास्क है और एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है। ऑयली स्किन वाले इसको ट्राई कर सकते हैं। जब ऑयली स्किन होगी तभी तो उनको ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स होते हैं, इसलिए मैं ये मास्क उनके लिए अप्लाई करने के लिए लाई हूँ। पहले ही बता चुकी हूँ मैं, लेकिन हर स्किन वालों को, सभी स्किन वालों को ये सूट नहीं करते, इसलिए अलग अलग तरह से बताना पड़ता है। तो सभी स्किन वालों को अगर वो सूट करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फेस मास्क है और आप इसको ज़रूर यूज कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैं जो भी चीज़ें आपको रेमेडी बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल रेमेडी में बताती हूँ, और आप लोग मुझे एक बार भी कमेंट करके ये नहीं बताते हो कि हाँ ये मेरे फेस पर या मेरे ऊपर ये वर्क कर रहा है और अच्छा मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो आप लोगों को बताना चाहिए, ये तो आप लोगों की एक और एक लाइक भी देना चाहिए। आप लोग देख लेते हो लेकिन ना लाइक देते हो, और बस देख के और स्किप करके और बस दूसरा चैनल आप देखना शुरू कर देते हो, आप जो भी करते हो। लेकिन ये सब अच्छी बात नहीं होती है। आपको भी थोड़ा सा, जैसे मैं एफर्ट डाल रही हूँ कि आपके लिए चीज़ें दिखा रही हूँ आपको, मेरे फेस पे अभी भी कुछ भी नहीं है, मैं सिंपल हूँ बिल्कुल, मेरा फेस वॉश है एकदम, और मेरे फेस पर भी कुछ भी नहीं है। तो मैं ये अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी, इसलिए मैंने मेकअप नहीं किया, और मेकअप करने का मेरा मन भी नहीं था, और मैंने सिर्फ लिप बाम लगाया है, मेबलिन का लिप बाम लगाई हूँ मैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया है मैंने। तो इसीलिए आप लोगों को भी इसी तरह से सिंपल में भी अच्छा दिखना है तो आप मैं जो कहती हूँ उसके साथ आप फॉलो कीजिए। जो मैं बताती हूँ वो आप रेमेडीज फॉलो कीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इस तरह से जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ आप भी कीजिए, और मैं जो बताती रहूँगी और भी आगे बताऊँगी, और आप लोगों को इसको ट्राई करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है, फिर देखते हैं इसको लगाएंगे कैसे। पिंपल मास्क के लिए हमें चाहिए सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर बहुत ही अच्छा काम करता है पिंपल्स पर, एक्ने पर, जिसको भी पिंपल्स और एक्ने होते हैं उसके लिए ये बहुत ही अच्छा स्किन पे इफ़ेक्ट देता है। और इसके लिए चाहिए इतना सा, एक हाफ ही चाहिए नींबू का टुकड़ा, और इसमें हम ऐसे नींबू डाल देंगे, नींबू का जूस। इसमें ये बीज आ गए तो बीज में निकाल दूंगी बाद में, इस तरह से डाल लीजिए। आप चाहे तो पूरे फेस पर, अगर आपको माथे पर या जैसे और चिक्स पर बहुत ही ज़्यादा है तो आप इसको पूरे फेस पर अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आपको अगर कम है तो आप कहीं कहीं पर जहाँ जाएँ वहाँ वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। और चाहिए हनी, ये मैं डाबर का हनी ले रही हूँ, आपके पास जो भी हो आप वो यूज़ कर सकते हो, बस इतना ही लूँगी मैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको, और फिर इसको आप लगाइए। आप इसको पूरे फेस पर लगा लें तो भी अच्छा है, और आप अगर जहाँ जहाँ आपके हैं इसका जहाँ पर निशान वगैरह है, दाग धब्बे हैं बहुत ज़्यादा, पिंपल्स ख़त्म हो गए तो भी आप लगा सकते हो इसको, और आप अगर आपके स्किन पर बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स हैं तो उस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं है तो दागों पर भी लगा सकते हो आप, जो निशान जो छोड़ जाते हैं पिंपल वगैरह तो उस पर भी लगा सकते हैं आप। चलिए देख लेते हैं इसको लगाना कैसे है। तो गाइज आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने इसको किस तरह बनाया है, ये ऐसे ही रहेगा, इसी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहेगी, पतली थिक भी रहेगी और ऐसे भी। तो आपके पास अगर ब्रश है तो उसकी सहायता से आप लगा सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा काम करेगा आपकी स्किन पे, और आपकी जो स्किन में जो, जैसे मैंने इसमें लेमन डाला है तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो वो भी इससे कम हो जाएगा, और सेरेमन से आपके जितने भी दाग वगैरह होंगे या पिंपल के निशान होंगे या फिर आपके पिंपल हैं तो वो भी ठीक होंगे इससे। और मैंने जो हनी डाला है उससे एकदम जो शाइनिंग होगी फेस की वो भी वापस लौट आएगी, और अगर हल्के फुल्के से रिंकल वगैरह होंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये सब इसमें डाल दिया है। तो मैं इसको पूरे फेस पर ही लगा ले रही हूँ, हल्का हल्का पतला पतला सा ही लगाना है। देखिए आप जितना भी पतला फेस पैक लगाएंगे ना उतना ही ज़्यादा आपके फेस पर वर्क करेगा अच्छे से, क्योंकि वो डीपली क्लीन करता है आपकी स्किन को, और आपका स्किन एकदम ग्लोई और शाइनी हो जाता है।
इसलिए आपको चाहिए कि आप इसको बिल्कुल हल्का पतला ही रखें, ज़्यादा थिक ना करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है और जल्दी भी सूख जाता है। ये थोड़ा सा अगर आपकी स्किन में थोड़े सेंसिटिव वाले स्किन वाले इसको ना लगाएं तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने इसमें लेमन डाला हुआ है तो आप इसमें स्किप कर सकते हो लेमन, और आप हनी के साथ आप यूज कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर आपको नहीं पूरे फेस पर लगाना है तो आप हल्का सा जहाँ जहाँ आपको है स्पॉट्स वगैरह तो वहाँ पर आप लगा लीजिए, अगर कम है तो। अगर आपको ज़्यादा स्कार्स वगैरह हैं, ज़्यादा है पिंपल, तो आप पूरे फेस पर आप इसको अप्लाई कर लीजिए, इस तरह से लगा लीजिए आप। देखिए मैंने पतला रखा है तो देखिए कहाँ तक। मैं हमेशा कोई भी फेस पैक होता है, चाहे वो पिंपल्स के लिए हो चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, तो मैं थोड़ा सा नेक तक लगा लेती हूँ। अगर मोटा है और आप नहीं सूख रहा है तो भी आप इसको, ज़रूरी नहीं है कि सूखना ही ज़रूरी है, सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट्स आपको लगाना है। अगर आपको इरिटेटिंग होती है, जरा भी थोड़ा भी जलन होती है, थोड़ी भी कुछ इचिंग वगैरह होती है, तो आप इसको हटा दीजिएगा तुरंत, क्योंकि ये पता चल जाएगा। या फिर आप ऐसा कीजिए, पैच टेस्ट कर सकते हो, इधर के नेक के पास यहाँ कान के पीछे लगाकर आप देख सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो इचिंग वगैरह होनी चाहिए, तभी पता चलता है कि हाँ ये थोड़ा हमारी स्किन पर काम कर रहा है। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। मैं छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए, फिर मैं इसको वॉश करके मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से फेस हो जाता है। चलिए मैं धुल के आऊँगी, जब मैं 10 मिनट्स हो जाएंगे तो मैं धुल लूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 10 मिनट्स के लिए आप छोड़ दीजिएगा, 10 मिनट्स बाद आप इसको वॉश कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मैंने फेस वॉश कर लिया है, मैंने पानी के साथ धुल दिया है, और उसके बाद मैंने पोंछ कर अच्छे से वेट कर लिया था, अच्छे से पोंछ लिया है टॉवल के साथ, और मैंने अपना ये रोज़ वाटर मैंने अप्लाई कर लिया है डाबर वाला। इसके बाद आपको आराम से, अगर आप रात में लगा रहे हैं तो रात में लगा कर आप सो सकते हैं, और इसी तरह से आपको अप्लाई कर लेना है और आपको रात भर के लिए छोड़ सकते हैं। और अगर आपको कहीं कहीं है तो आप इस तरह से कहीं कहीं जहां पर भी हो उस पर लगा लीजिए, और रात भर लगा कर भी आप सो सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और इसको ऑब्जर्व होने दूंगी मैं, उसके बाद मैं अपना क्रीम वगैरह लगा लूँगी, और फिर बस इस तरह से छोड़ दूँगी मैं। ज़्यादा मेकअप वगैरह मैं रात में नहीं करती हूँ, वो तो सिर्फ आप लोगों के सामने आने के लिए ही मैं मेकअप वगैरह कर लेती हूँ, वैसे मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही करना पसंद करती हूँ मेकअप। लेकिन अब मुझे सिखाना है, बताना है आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। अभी मैं और भी वीडियोस लेकर आने वाली हूँ अच्छे अच्छे, तो मेरे साथ बने रहिए। और अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से, आपके लाइक करने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ कोई तो है जो मुझे मेरे जो बना रही हूँ, जो चीज़ें रेमेडीज़ बता रही हूँ आपको, वो पसंद आ रही हैं। और लाइक करिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों को ये बता देना ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ आप ये शेयर कर सकते हो। और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर, तो वो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल आएगी आपके पास तो वो आप हिट कीजिए, तो आप, मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन बेल पहुँच जाएगी, और आप ज़रूर मुझे और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सब चीज़ें कैसी लग रही हैं, मैं जो बता रही हूँ वो अच्छा लग रहा है या कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। आप लोग कुछ तो बताइए, कुछ तो मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं भी तो चाहती हूँ कि मुझे कुछ लोग कमेंट करके बताएं कि हाँ अच्छा है तो अच्छा बताएंगे, और बुरा अगर मैं हुआ है कुछ तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पता तो चलेगा ना कि मैं कहाँ पर गलतियाँ कर रही हूँ, इसलिए। तो चलिए फ्रेंड्स बाय। और मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स बाय।